हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान बनाए जाने वाले स्काउट गाइड से संबंधित फाइल को लेकर आई हूं। आइए देखते हैं कि इसके लिए बीडी फाइल कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, बीएड इंटर्नशिप में हर कॉलेज में अलग अलग तरह की फाइल बनाई जाती है और ये हमारे कॉलेज का फॉर्मेट था, तो आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से बनाई गई ये फॉर्म है। तो देखिए, पहले तो हम फर्स्ट पेज पर इस तरह से हम बना लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड गोरखपुर। और चूंकि ये क्या होता है, एक शिविर का आयोजन भी किया जाता है और ये 5 दिन का कोर्स होता है, तो हर विद्यालय में अलग अलग, कहीं 5 दिन का कोर्स है, कहीं 3 ही दिन का कोर्स है, कहीं 7 दिन का कोर्स है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया जाता है। तो ये हमारे कॉलेज में जो है ये 5 दिन का कोर्स चला था, तो 5 दिन के कोर्स के अंतर्गत ये वीडियो तैयार की गई है, फाइल तैयार की गई है। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होगा। पहले तो हमने फ्रंट पेज बना लिया, उसके बाद जो सेकेंड पेज होता है वो होता है आपका अनुक्रमणी का, यानी कि किस पेज पर आप क्या चीज़ लिखेंगे, ठीक है, किस पेज पे आपने क्या काम किया हुआ है। तो उसका आप एक सीरियल नंबर बना लेंगे, जो कंटेंट का फॉर्म होता है, इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं, तो कंटेंट आप बना लीजिएगा इस तरह से कि किस नंबर पेज नंबर पे आपने कौन सा कार्यक्रम किया है, ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से, अपने कॉलेज के हिसाब से बनाना है आपको। मैं तो बस एक फॉर्मेट दे रही हूँ कि हाँ, इस तरह की चीज़ें भी लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चूंकि 5 दिन का कोर्स था, तो 5 दिन के कोर्स में कुछ कोई इसमें प्रशिक्षक मंडल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही कराते हैं, इसमें स्काउट गाइड के जो ट्रेंड लोग होते हैं वो आते हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज में इस तरह से आए हुए थे, तो ये मैडम आई हुई थी, सर आए हुए थे, तो उनका पूरा परिचय, मोबाइल नंबर, इस तरह से सब कुछ लिखना होता है। तो इस तरह से आपने उनका परिचय दे दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, पेज बनता है, वो होता है व्यक्तिगत विवरण का। आप अपनी फाइल बनाने जा रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, मतलब आपका अपना विवरण देना है। टोली का नाम, यानी कि जैसे क्या होता है ना, इसमें शिविर भी आयोजन किया जाता है, तो हम जितने स्काउट गाइड होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब नंबर्स में बांट जाता है, मतलब 8 से 10 नंबर की टोली में बांट दिया जाता है। तो हर टोली का अलग नाम, पशुओं के नाम पे, पक्षियों के नाम पे, फूलों के नाम पे, इस तरह से ना उनके नामकरण किया जाता है। तो ये जो टोली का नाम है, ये कमल का है, और ये जी जी मतलब ग्रुप 3, ये 3रे नंबर की टोली थी, ग्रुप 3 थी, तो उसका नाम कमल था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना व्यक्तिगत परिचय देंगे, नाम पता, ब्लड ग्रुप पता वगैरह सब लिखना होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है टोली के सदस्यों का नाम। आपने जो टोली बनाई है उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, उन सदस्यों का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, किस कक्षा के हैं, उनका मोबाइल नंबर, इस तरह से करके टोली के सदस्यों का एक संक्षिप्त विवरण भी तैयार किया जाता है। तो इस तरह से आप अपना तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है प्रार्थना का होता है। तो स्काउट गाइड का ये प्रार्थना होता है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ये करके ना ये प्रेयर लिखा जाता है। तो ये प्रेयर आप अपना ही किसी भी बुक में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो इसको आप अपना प्रार्थना लिख लीजिएगा। प्रार्थना में जो गाने का समय होता है 90 से 92 सेकंड का होता है, इतने देर में गाया जा सकता है इसको, 1.5 मिनट में गाना है इसको। इसके रचयिता कौन है, श्री वरदे वीर हैं। इस तरह से करके हमने इसका परिचय दे दिया प्रार्थना का। उसके बाद नंबर आता है झंडा गीत का। तो झंडा गीत कौन सा है इसका, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, नीला रंग गगन सा विस्तृत मातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। तो ये झंडा गीत है, इसके लेखक जो है श्री दयाशंकर भट्ट है, और समय इसका 40 से 45 सेकंड होता है। तो इस तरह से आप झंडा गीत गाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो स्काउट गाइड का नियम की बात करते हैं कि स्काउट गाइड का क्या नियम होता है। तो स्काउट गाइड कैसा होता है, विश्व अगर स्काउट और गाइड, स्काउट मतलब मेल के लिए है, गाइड मतलब फीमेल के लिए है, तो वो अगर स्काउट के लिए, अगर आप स्काउट हैं, गाइड हैं, स्काउट क्या है, विश्वसनीय होता है, गाइड क्या होगी, गाइड विश्वसनीय होती है। तो इस तरह से करके आप ये पॉइंट्स होते हैं गाइड का, स्काउट गाइड के कुछ नियम है, तो ये स्काउट गाइड के नियम आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा। तो स्काउट गाइड जो होते हैं ना, प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये प्रतिज्ञा लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगी, मैं मर्यादा पूर्वक जो है प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी और सदैव दूसरों की सहायता करूंगी, ठीक है, साथ ही साथ नियमों का पालन करूंगी। और क्या प्रतिज्ञा है कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, ठीक है। तो ये करके हमने प्रतिज्ञा की और लिखा जय हिंद, ठीक है। तो देखिए, आप अपने विद्यालय से भी, अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि बस उतारते जाना, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बस एक फॉर्मेट दिया है, चीजें बताएं कि ये चीज लिखा जाता है। उसके बाद होता है शिविर के नियम, क्योंकि स्काउट गाइड में क्या होता है, शिविर लगता है, तो शिविर के कुछ नियम होते हैं। तो ये नियम है शिविर के, स्काउट गाइड में शिविर नियम है, बिना अनुमति क्लास से बाहर न जाए, हर कार्य के लिए हर समय के लिए काम करना, सीटी के संकेत का अवलोकन करें, कैंप में निर्धारित यूनिफॉर्म में जाए,
अनावश्यक मोबाइल चलाना वर्जित है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ कैंप के नियम होते हैं शिविर के, तो वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो होता है, जब आपका कार्यक्रम शुरू होता है शिविर का, तो उसके कुछ हमें टाइम टेबल बनाना होता है कि कितने बजे क्या करना है। तो ये हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं शिविर का कि 10 बजे आना है, 10:30 बजे ध्वज शिष्टाचार होगा, 11 बजे कक्षा सत्र चलाया जाएगा, 11 से 1 मतलब 2 घंटे का, ठीक है। फिर 1 बजे लंच होगा, फिर 1:30 से 1:30 बजे, फिर से 1:30 से 3 बजे तक कक्षा सत्र चलेगा, फिर 3 बजे से खेल और 3:30 बजे कैंप फायर करेंगे, 4 बजे धवा अवतरण या विसर्जन होगा, ठीक है, जो कि समापन की बात करते हैं, ठीक है। हर दिन झंडा लगाया जाएगा, ध्वज शिष्टाचार होगा और हर दिन झंडा को उतारना है, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम टेबल, इस तरह से आप अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है स्काउटिंग के आधारभूत सिद्धांत, चूंकि हम लोग यहाँ 5 दिन चला था तो पूरा थियोरेटिकल पेपर भी पढ़ाया गया था, तो उसमें हमें स्काउट के सिद्धांत वगैरह हमने बहुत सी चीजें बताई गई थी, तो जो चीजें बताई गई थी हमने वो कॉपी में लिख लिया था, ठीक है। तो स्काउटिंग के आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत हमने उसका परिभाषा दे दिया, उसके बाद हमने उसका उद्देश्य बताया कि क्या उद्देश्य है और लक्ष्य क्या है, ठीक है, ये 3 चीजें हम देंगे। उसके बाद जो है दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो लिखेंगे, स्वयं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसे नोट करना है, ठीक है। दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य, स्वयं के प्रति हमारा कर्तव्य, नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, स्काउटिंग गाइड का संक्षिप्त इतिहास, इसका इतिहास संक्षिप्त छोटा सा इतिहास दे देंगे कि किसने शुरू किया था ये सब चीजें, तो ये सब चीजें उसका थोड़ा लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इसको नोट करना है। उसके बाद उधर स्काउट गाइडी के समर्पित व्यक्ति कौन थे, तो राम वाजपेयी, मदन मोहन मालवी, हृदयनाथ कुंजरू थे, ठीक है। स्काउटिंग की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो 24 दिसंबर 1909 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस लंदन में 1100 स्काउट की रैली लगाई, जिसमें 7 लड़कियां खाकी वर्दी पहनकर शिविर में जा पहुंची। तब बार्डन पावेल के पूछने पर बताया कि मैं गर्ल्स स्काउट हूँ। देखिए स्काउट की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं फुल सैल्यूट और हाफ सैल्यूट की, कि फुल सैल्यूट क्या होता है और हाफ सैल्यूट क्या होता है, तो फुल सैल्यूट और हाफ सैल्यूट दोनों को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हाफ सैल्यूट है, ये 3 अवसर पर किया जाता है, अपना परिचय देते समय, दीक्षा लेते समय और प्रतिज्ञा दोहराते समय। उसके बाद बायां हाथ मिलाना, मिलाना है ये, ठीक है। हम कैसे मिलाते हैं, दायां हाथ में लाठी होती है इसलिए हम बायां हाथ मिलाते हैं, बाएं तरफ दिल होता है, जिससे हम जिससे मिलते हैं वो दिल से मिलते हैं, वीर लोगों से ही बायां हाथ मिलाया जाता है, ठीक है, बायां हाथ मिलाने के कारण क्या था। फिर ध्वज की बात करते हैं कि ध्वज एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, ठीक है, दूसरा स्काउट गाइड ध्वज होता है, उसके बारे में लिखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, स्काउट गाइड का ध्वज कैसा है, विश्व स्काउट गाइड का ध्वज कैसा है और विश्व गाइड चिन्ह कैसा है, ठीक है, ये 4 ही चीजें ध्वज के बारे में हमने लिख दिया। उसके बाद हम वर्गीकरण करते हैं कि स्काउट गाइड ये सब क्या चीजें होती है, तो इस वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया है। तो पहला जब हम शुरू करते हैं, ठीक है, तब आपको क्या बोला जाता है, अगर लड़की है, ठीक है, लड़की है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बनी या कब बोलते हैं, या फिर अगर लड़का है तो उसको हम बुलबुल बोलते हैं। और किस आयु वर्ग में शुरू हो जाता है, ये आयु 3 से 5 वर्ष और 5 से 10 वर्ष में शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो आंटी, फिर टमटोला दल, और उसके बाद इनका जो आदर्श वाक्य है कि सदा मुस्कुराओ, ठीक है, मुस्कुराना इनको रखा है, इनका आदर्श वाक्य है। वही अगर हम बुलबुल की बात करते हैं तो बुलबुल जब आगे बढ़ते हैं तो उसको कब मास्टर या फ्लॉक लीडर कहे जाते हैं, ठीक है, जिसे कब पैक या फ्लॉक कहते हैं, और इनका जो आदर्श वाक्य है वो है कोशिश करो। उसका जो दूसरा होता है वो स्काउट गाइड होते हैं, जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं उसको स्काउट गाइड बोला जाता है, और स्काउट गाइड में स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन होती है, ठीक है। तो स्काउट का जो दल दल बनता है, और लड़की अगर होगी तो उसकी कंपनी होगी, तो वो क्या कहेंगे, हमेशा तैयार रहो, तैयार रहो, मतलब हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहो। उसके बाद जो तीसरा है वो होता है रोवर और रेंजर, जिसकी आयु जो है 17 से 25 साल की अवस्था में होता है। तो रोवर और रेंजर, जिसे रोवर लीडर होता है, रेंजर लीडर होता है, ठीक है, क्यूब और टीम होती है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा, सेवा करो। उसके बाद प्रगतिशील प्रशिक्षण होता है, तो जैसे कब है, कब में आप प्रवेश लेते हैं, 3 माह का कोर्स होता है, तो प्रथम चरण पास किया, फिर 3 माह का कोर्स किया तो द्वितीय चरण पास हो जाता है, फिर 6 माह का कोर्स किया तो तृतीय चरण, ठीक है, तृतीय चरण का चतुर्थ चरण, मतलब टोटल आपको 1 से 2 वर्ष लगता है आपको गोल्डन एरो तक जाने में। उसी तरह से बुलबुल की बात करते हैं, प्रवेश किया 3 माह में, कोमल पंख बोला गया उसको, उसके बाद 3 माह के बाद रजत पंख, जो कि आपका
प्रथम चरण कोमल पंख, द्वितीय चरण रजत पंख और 6 माह के बाद हीरक पंख होता है। उसके बाद चतुर्थ चरण में क्या होता है, स्वर्ण पंख होता है और उसके बाद आपको क्या मिलता है, गोल्डन एरो मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेजेज हैं चरण, और यहाँ पे सीधे सीधे डिफाइन कर दिया कि प्रथम चरण में कौन सा पंख है। ठीक है, ये दे दिया है। उसके बाद स्काउट गाइड की बात करते हैं, तो रोवर और रेंजर स्काउट गाइड दोनों में ही प्रवेश की बात करते हैं। तो पहला 3 माह के बाद दीक्षा संस्कार, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार। अब इसमें देखिए किस तरह से है, तो प्रवेश किया, ठीक है, 6 महीने बाद दीक्षा संस्कार यानी कि आप निपुण हो गए और 9 महीना बाद आपको जो है आपको राज्य सरकार द्वारा एक पुरस्कृत किया गया, उसे राष्ट्रपति अवार्ड कहते हैं। रोवर और रेंजर बन जाते हैं। फिर स्काउट गाइड का कोर्स क्या है, स्काउट गाइड में कई तरह के कोर्स हैं। पहला तो एडवांस कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, फिर एक दल कंपनी करना पड़ेगा, SWE का 6 माह का कोर्स है, फिर SWB हिमालयन विंग्स बैज है, अब PALT कोर्स प्राइमरी अल्ट कोर्स होता है, उसके बाद अल्ट कोर्स होता है 2 वर्ष का। तो ये कोर्स होता है स्काउट गाइड के लिए। उसके बाद है कैंप फायर गीत, जब आप कैंप में शिविर लगाते हैं तो आपको गीत गाते हैं वहां पे, तो आज हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास, इस तरह से करके आग से है रोशन अपनी बस्ती, कैसी बुलंदी कैसी पस्ती, इस तरह से करके कैंप फायर गीत गाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट होता है वर्दी। वर्दी किस तरह की होती है, बुलबुल के लिए, तो बुलबुल का जो है कपड़ा कैसा होता है, नीले रंग का कपड़ा होता है जिसके कंधे पे शोल्डर्स पे जो है पट्टी लगी होती है और साथ ही साथ 4 मीटर स्कार्फ होता है। जो स्कार्फ किस कलर का, हर रंग का होगा लेकिन हरा बादामी बैंगनी रंग का नहीं होगा, छोड़कर किसी भी रंग का लगाया जा सकता है। ठीक है, कब क्या क्या पहनते हैं, कब हाफ पैंट और स्टील ग्रे की शर्ट पहनते हैं, स्कार्फ दोनों ही लगाते हैं, कब बुलबुल का 70 से 80 सेंटीमीटर होता है, वागे लिए भी डिजाइन का लगाया जा सकता है किसी भी डिजाइन का, बेल्ट होती है, कैंप होता है, सदस्यता बैज होती है, ये सारी चीजें होती हैं। उसका टोली की विधि, टोली अगर हम हैं तो टोली कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक टोली में 6 से 8 की संख्या होती है। टोली के प्रत्येक सदस्य का एक अपना कार्य होता है जिसमें लीडर टोली का नेतृत्व करता है तथा सदस्यों के सहयोग से किसी भी कठिन कार्य को आसानी से पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, तो टोली में कौन कौन होंगे, किस तरह के होते हैं, टोली में एक नायक होगा या नायिका होगी, सहायक टोली होगा, सचिव होगा, कोषाध्यक्ष होगा, रसोईया होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, एक विनोदी होगा और एक हाइक लीडर होगा। ठीक है, इतने लोग होते हैं, मतलब कम से कम 8 लोग का होता है, तो 8 लोगों में 8 लोग इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि उनका कार्य क्या क्या होगा। फिर टोली का नामकरण होगा कि प्रत्येक टोली का एक नामकरण होता है जिसे गाइड, फूल या पक्षी और स्काउट जो होते हैं जानवरों के नाम पर रखता है। गाइड होगी तो वो अपना फूल और पक्षी के नाम पर रखेगी, लेकिन अगर मेल है स्काउट है तो उसका नाम, उसके शिविर का नाम जानवरों के नाम पर होगा। उसके साथ टोली का झंडा होता है, हर टोली का अपना अपना एक झंडा होता है। ठीक है, और टोली का गीत होता है, प्रत्येक टोली की अपनी एक सिंहनाद होती है, टोली का एक कोना होता है जहाँ पे वो बैठ के अपना चर्चा करते हैं। तो ये कमल टोली थी जिसने उन्होंने कमल बना के अपना दिया है, ये कमल टोली के मेंबर्स हैं। ठीक है, उसका टोली के टेंट का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक लाठी 6 फीट की चाहिए, एक चादर चाहिए, ठीक है, सिंगल, ये सारी चीजें चाहिए होती है जो टोली के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये टोली बना के दिखा दिया है, शिविर बना के दिखा दिया है। ठीक है, शिविर बनाने के लिए, ये शिविर के टोली का टेंट बनाने के लिए, ठीक है, जिधर टेंट बना हुआ है। फिर उसके साथ ही साथ जो है कुछ चीजें होती हैं जो स्काउट गाइड को जानना होता है, जैसे कि सीटी का संदेश, मतलब एक तेजी आवाज में सीटी की आवाज आती है तो मतलब कि सावधान हो जाइए, कुछ खतरा है, और अगर 4 बार छोटे छोटे बार में संकेत हो रहा है तो दौड़ के एकत्र होने का संकेत है। ठीक है, फिर छोटी बड़ी, छोटी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर छोटी, खतरे का संकेत है। तो इस तरह से करके हर सीटी के संकेत दिए गए कि जिस तरह से आवाज निकाली जाएगी उसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर हाथ का संकेत भी जानना होता है, संकेत है त है, जब दोनों हाथ सामने होगा तो इसका मतलब सीधी लाइन बनाना है, जब हाथ कंधे से ऊपर है तो बड़े पीछे होंगे, छोटे आगे होंगे, इस तरह करके सब बनाया गया कि कौन आगे कब खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, कब आमने सामने खड़े होंगे, तब अगल बगल खड़े होंगे, कब गोला बना के खड़े होंगे, कब पूरा गोला बना के खड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना खड़ा होना है। तो ये हो गया। उसके बाद खोज के चिन्ह, मतलब आप जो है आप कहीं बाहर गए हैं, जंगल में गए हैं, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपने क्या किया, जाते जाते रास्ते में सिम्बलाइज करते चलेंगे इस तरह से कि आगे रास्ता साफ है, आगे मुड़ना है तो इस तरह से बना दिया, रास्ता बंद है तो इस तरह से 3 ब्लॉक करके बना दिया कि रास्ता बंद है, कोई जाए तो पहचान जाएगा। घास के लिए, या घास अगर है तो साफ रास्ता है, आगे रास्ता साफ है। ठीक है, इस तरह से बना दिया, मतलब जिधर घास मुड़ी है उधर मुड़ना है, इस तरह से बना दिया कि घास जिधर रास्ता बंद है,
ठीक है, तो इस तरह से पेड़ों के पे भी बना सकते हैं। फिर कड़िया खड़िया का कोयला अगर आपको मिल गया तो उसके आधार पे बना सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इस तरह से चिन्ह बनाए गए हैं ताकि आपको अपनी जानकारी के लिए पता रहे कि स्काउट गाइड को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर स्वास्तिक सही बना है तो सब कुशल मंगल है, उल्टा है तो सब कुशल मंगल नहीं है। मतलब इस तरह की सीक्रेट चीजें हैं सब। आगे नदी है, देखिए टोली मेंबर चला गया है, सभी लोग घर चले जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमें वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो आपको कुछ गाठे भी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल में अगर जाके रह रहे हैं, स्काउट गाइड है, हेल्प करने आना है, एनसीसी के कैंडिडेट का क्या काम होता है, ये इस तरह की चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट एड फर्स्ट एक्शन बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट जो प्राथमिक जगहों पर जाना है उन्हें वो पता होनी चाहिए। तो डॉक्टरी घाट, जुलाहा घाट, ये कई तरह की घाट होती है, उनको घाटों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आयताकार घाट, लट्ठा घास, रोलीज, ये सारी तरह की घाटों के नाम दिए हुए हैं, उसको आपको लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्राथमिक सहायता के लिए भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है, कोई एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, वाइबा के समय भी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन की प्राथमिक सहायता के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको नोट कर लीजिए और इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये आपका सहायता बॉक्स है, पट्टी के प्रकार हैं, झोल है, ठीक है, जलना और झुलसना पर क्या क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दिशाओं का ज्ञान करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किधर नॉर्थ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, तो इस तरह से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। साथ साथ ऊंचाई का भी अनुमान लगाना है, परछाई के आधार पर आप बता सकते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कोई चीज़ ऊँचा या नीचा। तो इस तरह से करके हमारे यहाँ पढ़ाया गया था। उसके बाद जो होता है, जैसे आप पढ़ाई खत्म, तब फिर हमने क्या किया, समापन कर दिया। समापन हो गया, समापन जिस दिन शिविर समाप्त हुआ उस दिन क्या हुआ, समापन समारोह मनाया गया, खाना पीना हुआ, विदाई भाषण हुआ, इस तरह से करके समापन हो गया। तो ठीक, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।